सब्सक्राइब कीजिए बुड बग जैसे यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त जहीर, आप देख रहे हैं बुड बग जैट के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज इसकी वीडियो में दिखाऊंगा, जैसे कि हम टीवी पैनल बनाते हैं लिविंग रूम का होता है, तो उसमें जो तार की वायरिंग होती है वो किस प्रकार निकालनी चाहिए। जो हमारा स्ट्रेचर बनाया जाता है तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको तार का निकालने का किस तरीके से निकाले जाते हैं। जो हमारे सेल्फ होते हैं उसमें सेल्फ में लाइट लेते हैं, तो लाइट लेने का तरीका इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना, वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये टीवी पैनल है, टीवी पैनल के अंदर जो हमारी वायरिंग निकाली जाती है आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारे सेल्फ लगाए जाते हैं, जो हमारे ऊपर के सेल्फ होते हैं, तो इसमें इस प्रकार ये तार निकाला जाता है, ये बनाया जाता है इसका बॉक्स का। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से बनाना आपको, जैसे इसकी जो मोटाई हाइट रखनी होती है, जैसे ये हमारा इस तरीके से हमने ये पैक कर दिया है। जो हमारे दोनों तरफ से 6 mm प्लाई लगानी है आपको, 6 mm या 7 mm की जो भी लगाते हो आप, उसी तरीके से लगानी है आपको और ये बंद कर देना, जिसमें कि ये हमारा तार इसके अंदर आ जाता है। जहां पे हमारी लाइट की जरूरत होती है उसी तरीके से हम तार निकाल लेते हैं। पीछे से जो हमारा बनाया जाता है स्ट्रेचर, आप देख सकते हैं इसमें पीछे की साइड जो हम तार निकालते हैं, तो इसमें पीछे से भी इसी प्रकार बनाया जाता है। ये देख सकते हैं इधर, ये हमारा पीछे पट्टी लगाकर, ये ऊपर पट्टी लगाकर इस तरीके से तार निकाले जाते हैं, जहां पे तार की जरूरत होती है पीछे से तार हमारे निकल जाते हैं, जिसमें कि बाहर नजर नहीं आते। ये बोर्ड देख सकते हैं, जहां पे बोर्ड की जरूरत होगी बोर्ड की कटिंग वहीं पर दी जाएगी, जिसमें कि अपना सॉकेट अपना लगाना है पॉइंट के लिए, लाइट की जरूरत होती है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं और कनेक्शन वैसे ही देने हैं आपको। ये देख सकते हैं इसमें हमारे कनेक्शन जुड़ जाएंगे लाइट के, जहां से हमें जरूरत है पीछे से। तो ये अपना बाहर इसमें जो हमारे तार है वो दिखेंगे नहीं, जो टीवी पैनल में होते हैं इस तरीके से बनाया जाता है, और इसको हम फिट कर देंगे। और नीचे भी आपका जैसे ये स्विच बोर्ड है, जहां पे हमारा स्विच बोर्ड की जरूरत होती है टीवी पैनल में, वहीं पे उसको कटिंग किया जाता है, जिसमें कि कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आती है तो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, जहां पे बोर्ड है वहीं पे कटिंग करनी है आपको इसी प्रकार। और आपको जो निकालने तार इसी हिसाब से निकालने, ये स्ट्रेचर अपना बनाना बॉक्स, और इसमें आपको जो लगाना है इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे लैमिनेट लगानी है, जो हमारी लैमिनेट होती है इसमें कटिंग कैसे करके लगाओगे आप, वो दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारे स्क्रू पर लगा रखे, इसको खोल के जैसे हम लैमिनेट लगाएंगे तो बर्से लगा देंगे। ये मैं आपको स्ट्रेचर दिखा रहा हूँ, तो इसमें आसानी से आप बना सकते हैं जैसे आपको बनाना है। और ये जैसे हमारा ये वार्डरूम है, इधर अभी काम चल रहा, और आप देख सकते हैं HDMR में ही काम होता है हमारा, दूसरा बोर्ड हम लगाते नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से बोर्ड लगता है। ये देख सकते हैं ये अभी वार्डरूम है, इसी के साथ में अटैच इसका डिजाइन आने वाला, जो हमारा इधर भी अभी सुरैक बनना है। ये गेट के पीछे हमने इसको जगह को कवर कर रखा है इसी तरीके से, अगर आपको बनाना है तो। ये हमारा जो डोर्स है इसके पीछे डोर की जगह भी बंद नहीं, जो हमारे खोलते हैं तो वेस्ट नहीं जाएगी, और इसी हिसाब से डोर्स इसमें आ जाएंगे। गैप हमने उसी हिसाब से दिया जितनी हमें जरूरत है, जरूरत के हिसाब से आप जगह यूज कर सकते हैं, जगह आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और इसमें जो हमारा जूते रखने का साइज, जैसे ये देख रहे हैं आप इसका साइज कम है, तो इसको हम स्कैन में लगाएंगे इस तरीके से, जिसमें कि हमारा जूता अंदर आ जाएगा आराम से, जो हमारे शूज होते हैं वो आराम से अंदर आ जाएंगे, और उसमें जगह हमारी प्रॉपर ज्यादा मिल जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये हमारा किस तरीके से फिट होने के बाद लगता है, तो आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में, वीडियो में बने रहें। जैसे देख रहे हैं आप ये फिट हो चुका है इस टाइम, और ये अपना यहाँ पे हमारा प्लाई लग के बंद हो जाएगा। और इसमें जैसे ये बोर्ड है ये देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इधर हम बोर्ड की कटिंग करते तो वो देखने में अच्छा लगता है, बीच में ले लिया हमने तो यहाँ पे अपना बोर्ड लग जाएगा, और ये अपना तार जैसे दिक्कत हो जाती है तो ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पे कटिंग हो गया इसका, और ऐसे ही इधर हो गया, ये हमारा सेटर बॉक्स के लिए, और ये पावर के लिए, जो पावर का मैं दिखा देता हूँ आपको, आप जो देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं अभी इसका ये जैसे कंप्लीट होगा इसका, जो हमारा सनमे का लगेगा फ्रंट का, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको ये डिजाइन किस तरीके से लग रहा है, अपना जो बनाया हमने। और ये अपना ये देख सकते हैं बोर्ड का वैसे कटिंग कर रखी है, नीचे से हमने ये 4 इंच उठा रखा है, और इसमें ड्रॉ लगेगा नीचे, ये अपना फिट करने के बाद ये अंदर से इसमें बाथरूम में वाइट कलर का माइका है, ये हमारा इधर से दीवार से मिल चुका है, ये अपना देख सकते हैं इसमें,
ये हमारा साइड से, तो ये देख सकते हैं इधर साइड से मिला दिया है, हमारा स्क्रू लगा दिया हमने इसमें, और इसके प्लाई में लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से बंद हो जाता है। इसकी जो लैमिनेट लगनी है वो बाद में लगनी है, हमारा जो बॉक्स बनाने के बाद जब ये फिट हो जाता है। जैसे कि इसमें हमारा जो बॉक्स है जहाँ पर लाइट की जरूरत है उसको हम फिट करेंगे, तभी इसमें आप देख सकते हैं इसी प्रकार। एक मिनट इसको ना आप इसको बंद इस प्रकार किया जाता है, तो इसमें जैसे आपको लैमिनेट लगानी तो बाद में लगेगी, और जो कटिंग है हमारी लाइट की वो भी बाद में होती है। इस तरीके से बंद हो जाएगा, और इसमें तार भी अपना पहले आपको आपकी ड्राइंग बनानी पड़ती है किस तरीके से कहाँ पे तार की जरूरत है हिसाब से ले सकते हैं। ये अपना पूरा डिजाइन फाली सीलिंग का डिजाइन भी दिखा रही हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड। फॉल सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं जैसा आपको बनाना, और इधर वॉल का भी डिजाइन दिखाता हूँ। ये साइड में बॉल का डिजाइन, ये अपना बॉल का डिजाइन है, इस प्रकार ले सकते हैं अगर आपको बनाना है तो। ये डिजाइन पैंट में ही बनाया गया है, ये पैंट का डिजाइन है, जो मोर के पंख देख रहे हैं आप। Thank you.